am your math teacher Ms. Madiha Nas, and today our topic of summer bag, page number 58. Express the following decimals as fraction. आपने ये decimal जो दिए हुए हैं उन्हें fractions में change करना है. First question है आपका 0.007. सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने वैल्यू को रिपीट करना 0.007. अब जब फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, वैल्यू लिख के पॉइंट की जगह पे 1 लगा देंगे, बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं उतने 0. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे तो आपके पास 7/1000 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका 4.33/0.05. पॉइंट के बाद कभी भी आपने इसे इकट्ठा नहीं करना वैल्यू को, जैसे 4.33/0.05. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करना है आपने तो पॉइंट आप पहले इसे इस तरह से लिख लें, ये डिवाइड हो रहा है ना तो आप इसे डिवाइड के साइन की तरह लिख लें 0.05. अब पॉइंट की जगह पे इधर भी 1 और बाकी जितनी वैल्यूज उतने 0, फिर पॉइंट की जगह पे इधर 1 बाकी जितनी वैल्यूज हैं उतने 0. क्लियर है, अब ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो 4/33/100/0.05/100. स्पेस कम है तो आप यहाँ पे सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लें. आप देखेंगे 4/33 ऐसे ही रहेगा, 33/100. यहाँ डिवाइड है ना, आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप ओवर में लिख देंगे, ये भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे. तो 5/ जब आप इसे चेंज किया तो ये आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 100/5. तो ये 100 से कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ गया, 4/33/5. फ्रैक्शन में आ गया लेकिन डेसिमल के बगैर. क्लियर है, इसी तरह से आपने अपने ये दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं पेज नंबर 58 के. नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 59. 59 में आपने क्या करना है, फाइंड द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल फाइंड करना है. रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, पलट जाना वैल्यूज़ के ऑपोजिट लिखना. जैसे यहाँ पे ये -3 है तो -3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ कोई वैल्यू ना हो वहाँ पे 1 होती है. तो जब इसको ऑपोजिट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/-3. ये वाली वैल्यू है 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 5/4. इसी तरह से आपने इन दोनों का रेसिप्रोकल लिख लेना. एक चीज़ याद रखनी है, रेसिप्रोकल में सिर्फ वैल्यूज चेंज होती हैं, साइन चेंज नहीं होता. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेस इंडिकेट बाय द इन सर्कल डिजिट. अब आपने राउंड ऑफ करना है 75.787 को. अब राउंड ऑफ के लिए कौन सा सर्कल किए ये वैल्यू 8 को, तो आपने इसको 8 को जब राउंड ऑफ करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू इसकी देखिए, अगर 5 या 5 से भरी है तो आपने पीछे वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देना है. तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ 1 प्लस करके 9 आ जाएगा. तो इसे फिर कैसे लिखेंगे, 75.79. क्लियर है, अब है 89.09. अब देखें यहाँ पे 9 है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 प्लस नहीं होगा, सिर्फ 9 ही आएगा. तो आप इसे फिर लिख देंगे 899. इसी तरह से आपने अपनी बाकी दोनों वैल्यूज़ भी सॉल्व कर लेनी है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.